नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल जीपी ट्रेवल्स पर स्वागत है। और जैसा कि हम आपके बीच में आते रहते हैं और फिर से आज हमने सोचा क्यों ना आज छुट्टी का दिन है और कुछ बातें की जाएँ आप सभी दर्शकों के साथ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अक्सर वीडियोस बनाया करता हूँ कहीं घूमने जाने के, और वहाँ के रिलेटेड कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशंस जो हैं मैं ट्राई करता हूँ शेयर करने के लिए आप सभी के साथ, जिससे कि आप सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, हमारा एक बहुत बड़ा एक पर्पस है जीटी ट्रेवल्स का। हमारा पर्पस ये है कि हम ट्रेवल को पूरा मैं बिल्कुल रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं ट्रेवल के क्षेत्र में। हम चाहते हैं कि हम ऐसे ऐसे टूर प्लान करें हम लोग, जिसमें हम किसी भी अननोन प्लेस पे जाके हम स्टे करें और जो भी है जहाँ पर वहाँ पे हम टेंट लगाएं, वहाँ पे हम पूरा सबको जो उनको खाने का मन हो, जो लोग घूमने जा रहे हैं उनको प्रोवाइड करें, और आसपास थोड़ा नेचुरल ब्यूटी हो इसका हम ध्यान रखें, लाइक वाटरफॉल या कुछ ऐसा हो, तो वहाँ पे हम लोग फिर पिकनिक टाइप का भी प्लान कर सकते हैं। तो ट्रैवल को इस फॉर्म में इंडिया में अभी लाना थोड़ा टाइम लगेगा। बाहर के कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा अभी भी आप देखेंगे तो रिवॉल्यूशन आ चुका है, मतलब ये सब चीज़ें होती रहती हैं, जो आपको टेंट रुकवाना और बीच में प्लानिंग करना, कहीं भी ले जाना अननोन प्लेसेस पे, फिर ट्रैकिंग कराना वहाँ पर, यहाँ पे भी होता है, बट यहाँ थोड़ा सा फॉर्मल अब धीमे धीमे होने लगा है। तो यही प्लान है हमारा, और आपको उसके साथ ही साथ जो भी जगह हैं वहाँ के स्पेशल फूड्स से भी अवगत कराना आप लोग को, उसके बारे में जानकारी देना, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा पर्पस है। तो क्योंकि ट्रैवल और फूड ये तो बिल्कुल कॉमन है, सभी को करना है, ये सभी को घूमना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि तभी हम बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं, काफ़ी हमारा जो माइंड है उसकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है घूमने के दौरान, क्योंकि हम और कुछ नहीं सोचते उस वक्त। तो घूमना सभी के लिए ज़रूरी है, और धीरे धीरे हम इसको रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं इस ट्रैवल के पूरे डोमेन में, और हम अच्छे अच्छे बिल्कुल आपको ऐसी जगहों पे लेके चलेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा ही बिल्कुल अलग मज़ा आएगा, क्योंकि नोन प्लेसेस तो हैं, आप जा सकते हो वहाँ पे गूगल पे देख के ऐसे वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, बट थोड़ा अननोन उस प्लेस में, जैसे कि अगर कावेरी रिवर है तो ऐसे तो हम अगर हमको नहाना हो तो हम मेके नाथ चले जाते हैं यहाँ बैंगलोर के आसपास, या फिर हम काफ़ी सारी जगह हैं यहाँ पर, तलाकाडू है वहाँ जाते हैं नहाने के लिए, फिर बीचेस हैं तो यहाँ पर कन्नूर चले जाते हैं, बहुत सारे आसपास में प्लेसेस हैं तो हम चले जाते हैं, बट कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे कावेरी रिवर फ्लो करती है और बिल्कुल ही वो जंगल के बीच में से, लाइक वहाँ पर हम जा सकते हैं, वहाँ पर हम लेके जाएँ, हम ऐसा कुछ प्लान करें, तो वो थोड़ा सा अननोन जगह पर जाके लोगों को भी थोड़ा डिफरेंट फील होगा। तो आज छुट्टी थी दोस्तों, तो मैंने सोचा आपके सामने हम आते हैं कुछ बातें करने के लिए, और आते रहिए हमारे चैनल जीटी ट्रेवल्स पे, कुछ कुछ हम नई चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे, ये तो पक्का है, एटलीस्ट ट्रेवल के क्षेत्र में या फिर खाने पीने के क्षेत्र में, कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं है, बट कुछ भी ऐसा जो भी कुछ नया और अच्छा हो रहा होगा वो आप हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आपको भी मज़ा आएगा जुड़कर, कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी चैनल पर, और या तो अगर वो मान लीजिए अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप उस को एज अ डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं कि क्या क्या कैसे घूमने का है, थोड़ा सा आपको बिल्कुल लगेगा कि शॉर्ट फिल्म चल रही है आपके सामने, और अगर वो भी नहीं मिलेगा तो फिर एटलीस्ट आपको कुछ अच्छे कंटेंट तो मिलेंगे, कुछ खाने पीने के बारे में, कुछ यूनिक चीज़ों के बारे में पता चलेगा ज़रूर, और कुछ अनएक्सप्लोर चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा, लाइक जैसे अभी मैं पिछले वीडियो में पूरा कोडी बीच और कासरगोड के बारे में बताया, जो कोस्टल कर्नाटका के बारे में, तो वो काफ़ी खूबसूरत बीचेस हैं वहाँ के, और काफ़ी वहाँ पर अभी पॉपुलेशन कम मिलेगी, रश कम मिलेगा आपको, अभी तो लॉन्ग वीकेंड और ये सब है, छुट्टियाँ हैं बच्चों की, तो अभी तो मिलेगा, बट नॉर्मल डेज में वो काफ़ी आपको रश नहीं मिलेगा और रेट्स भी काफ़ी नॉर्मल मिलेंगे। तो ऐसी कुछ जगहों को हम बताएंगे, ऐसी कुछ जगहों को जो आपके लिए यूज़फुल हैं और वैल्यूबल हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल पर आने के लिए, और जुड़े रहिए हमसे।